Hey guys, welcome to my channel, Tanmay at the Tech. आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत फोन का जिसका नाम है iQOO 9 Pro जिसको मैंने Amazon से परचेस किया है। चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। ये जो फोन मैंने Amazon से परचेस किया है ये मेरे को बहुत ही खूबसूरत डील पे मिला है। मैं पहले आप लोग को दिखा देता हूँ फोन कैसा है, फिर मैं आपको प्राइस के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बता दूंगा। फोन बॉक्स पैकेजिंग आर गुड, वेरी गुड। इधर एक सील लगा हुआ है, इस तरफ भी एक सील लगा हुआ है। ये जो पैकेजिंग का जो स्टाइल है ये बहुत अच्छा है। चलिए आपको नजदीक से दिखाता हूँ। इस फोन का ओरिजिनल प्राइस आप लोग देख सकते हो, लेकिन मुझे ये फोन इंस्टेंट बैंक कार्ड डिस्काउंट के साथ 48,692 रुपीस में मिल गया है। ओ वाओ, व्हाट अ लुक एट दैट। ये जो फोन है ये iQOO का BMW एडिशन है। इस फोन को जो है इसको ऑलराउंडर परफॉर्मेंस किंग माना जाता है। चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिल जाता है। पहले iQOO का इनविटेशन कार्ड मिल जाता है। पीछे की तरफ ये जो दिया गया है एक बहुत काम की चीज़ है। इस स्टिकर्स के हेल्प से हम फोन के जितने भी पोर्ट्स है सबको ब्लॉक कर सकते हैं स्क्रीन रिप्लेस कराने के टाइम या फिर किसी भी लिक्विड डैमेज से बचाने के लिए। फोन को फोन का जो केस का क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है और केस का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम टू सेम फोन का बैक के तरह बनाया गया है। एक छोटा सा सिम इजेक्टर पिन भी मिल जाता है और ये जो चार्जिंग केबल है ये C2C चार्जिंग केबल है। इस फोन के अंदर हम लोगों को हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए बॉक्स के अंदर ही टाइप सी टू हेडफोन जैक एडेप्टर मिल जाता है। इसका जो पावर एडेप्टर है ये वीवो फ्लैश चार्ज को सपोर्ट करता है जिसमें 120 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया गया है। तो चलिए फटाफट से फ़ोन को अनरैप कर लेते हैं एंड इसका ओरिजिनल लुक देखते हैं। सच बोलूँ तो फ़ोन का जो लुक है ना एकदम ऑसम है। फ़ोन के पीछे की तरफ सिम ट्रे, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है। राइट साइड में ब्लू कलर में पावर बटन एंड वॉल्यूम अप एंड डाउन की दिया गया है। इस फोन में ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक्रोफोन और आयर ब्लास्टर दिया गया है जिसके थ्रू से आप टीवी, एसी किसी भी चीज़ को रिमोट के तरह कंट्रोल कर सकते हैं। पीछे की तरफ इसका बहुत बड़ा कैमरा मॉड्यूल दिया गया है जिसके अंदर 50+50+16 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और डुअल LED फ्लैश देखने को मिलता है। इस पे 2K E5 AMOLED कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है। इस फोन का जो चार्जिंग केबल है ये दूसरे कंपनी का चार्जिंग केबल से बहुत बड़ा है जिससे कि जिन लोग का चार्जिंग पॉइंट थोड़ा सा दूर है उन लोग को चार्जिंग लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फ़ोन के अंदर बिल्कुल भी चार्ज नहीं था तो पहले मैंने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाया फिर थोड़े देर बाद इसको ऑन किया। इस फ़ोन का जो चार्जिंग स्पीड टेस्ट है वो मैंने वीडियो के अंत में दिखाया है, आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलिए फटाफट से फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं और देखते हैं इसका यूज़र इंटरफेस कैसा है। iQOO जो है वो वीवो का सब ब्रांड है तो इसका जो वारंटी वगैरह सर्विसिंग वगैरह होगा सब वीवो का सर्विस सेंटर में ही होगा। वीवो का जो V1 इंटेलिजेंट चिपसेट मिलता है वो इसके अंदर दिया गया है जिससे कि इसका डिस्प्ले क्वालिटी और कैमरा क्वालिटी और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है ना वो एकदम टॉप ऑफ द लाइन है। इस फोन का परफॉर्मेंस के वजह से ये इंडिया का हाईएस्ट अंतुतु स्कोर को अचीव कर लेता है। इस पे 1500 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है जिससे कि आउटडोर में भी विजिबिलिटी बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें ऊपर और नीचे की तरफ डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है जिससे कि इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा निकल के आता है। इसका जो कैमरा है वो टॉप ऑफ द लाइन है और फ्लैगशिप लेवल का सारा फीचर्स इस कैमरा के अंदर दिया गया है। पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, प्रो मोड, स्पोर्ट मोड, स्लो मोशन मोड सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। इस फोन का जो कैमरा है वो गिम्बल स्टेबिलाइजेशन के साथ आता है जिससे कि इसका वीडियोग्राफी नेक्स्ट लेवल तक चला जाता है। मैं कुछ वीडियो सैंपल वीडियो में दे रहा हूँ
जिससे आप लोग को पता लग जाए कि वीडियोग्राफी कैसे निकल के आता है। 8K 30fps तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इसका जो वीडियो स्टेबिलाइजेशन है वो बहुत अच्छा है। नॉर्मल मोड में भी आप देख सकते हो कि कितना अच्छा वीडियो स्टेबिलाइजेशन है। अभी हम अल्ट्रा में शिफ्ट करते हैं। अल्ट्रा स्टेबिलाइजेशन पे वीडियो क्वालिटी और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। आप लोग को देख के लगेगा कि कोई गिम्बल कैमरे से आप लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हो। मेरा जो वॉयस है वो इसी फ़ोन का माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि आपको पता लग जाए कि इसका माइक का क्वालिटी कैसा है। इसमें 150 डिग्री का फीसाई वाइड एंगल मिल जाता है। मैं इस फ़ोन का पोर्ट्रेट, मैक्रो और नॉर्मल मोड में लिया गया कुछ फ़ोटोज़ इस वीडियो में दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि फ़ोटो क्वालिटी कैसा है। ये फ्रंट टच ओएस 12 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉयड 12 के ऊपर बेस्ड है, और इसमें 8GB रैम 256GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। इसमें 3D अल्ट्रासोनिक लार्ज फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और इसका एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा है। इसमें 10W का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। ये 120W का फास्ट चार्जिंग और 50W का वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। आप लोग इसका फास्ट चार्जिंग का स्पीड देख सकते हो। सिर्फ 20 मिनट के अंदर इसमें दिया गया 4700 mAh बैटरी को 0-100% चार्ज कर देता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग चेक कर लेते हैं इसका कॉलिंग क्वालिटी कैसा है। मैं तन्मय बोल रहा हूँ, देवी प्रसाद जी घर में है? अरे कौन देवी प्रसाद, ये देवी प्रसाद का घर नहीं है। देवी प्रसाद जी घर में नहीं है? अरे का रे देवा, रे देवा, देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ, देवी प्रसाद का घर नहीं है। फिर से एक बार कॉल करता हूँ। हेलो, देवी प्रसाद जी घर में है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे, आपको कुछ बोलना था। चल बसे कूतरे साला, देख के नंबर डाल कर ये खूब साले। चलिए दोस्तों, मजाक वगैरह तो होता ही रहेगा। अभी आते हैं इस फोन के बारे में। मेरे ओपिनियन में ये जो फोन है ये अंडर मिड रेंज में 2022 का बेस्ट फोन है। आप लोग को अगर इस फोन का किसी भी स्पेसिफिकेशन के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानना होगा तो आप लोग नीचे मेरे को कॉमेंट कीजिए, मैं उसका डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, और प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।